Good day and namaskar. I am Dr. Sandeep Singh, Director and Senior Consultant Narayana Health and HOD Cardiovascular and Thoracic uh, Surgery at Dharamshila Narayana Super Speciality Hospital. With me is my colleague Dr. Kapil Minocha, who is consultant with Cardiovascular and Thoracic Surgery at Dharamshila Narayana Super Specialty Hospital. Uh, we are here uh, on the world heart day uh, and uh, we had requested some queries for cardiovascular uh, surgery and problems from people who had undergone cardi cardiac surgery and we have got uh, quite a few questions uh, regarding this and as uh, we go on and as we get more questions in this uh, uh, session we will add them to our list uh, to start with uh, one of the most commonest uh, questions that is generally asked by most patients uh, is the problems uh, related with or precautions that they should take after bypass surgery. bypass surgery के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बाद ये क्या problems आ सकती हैं इसके बारे में काफ़ी लोग questions पूछते हैं और कार्डिक सर्जरी जो बाईपास सर्जरी होती है बेसिकली प्रिकॉशंस जो होते हैं वो दे आर रिलेटेड टू Uh, the सर्जरी दैट वी डू एंड नॉट टू the हार्ट itself. Uh, उस सर्जरी में एक्सटर्नल बोन को काटते हैं और स्टर्नल बोन को uh, दोबारा वायर्स के साथ जोड़ते हैं तो ये जो स्टर्नल बोन का, uh, का का काटना है ये एक फ्रैक्चर की तरह से होता है ज़्यादातर हमारे जो प्रिकॉशंस होते हैं ऑपरेशन के बाद वो इस चीज़ पे बेस्ड होते हैं इसका ये मतलब होता है कि हमारे को फिज़िकल प्रॉब्लम्स से ज़्यादा डील करना पड़ता है देन द कार्डियक प्रॉब्लम एक बार पेशेंट आईसीयू से निकल के वार्ड में जाता है हम हार्ट के बारे में ज़्यादा चिंता ख़त्म हो जाती है चिंता खाली ये रहती है कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए सबसे पहली बात है कि हम लोग उसको एडवाइस करते हैं कि क्या कहते हैं वेट्स ना उठाए हैवी वेट्स स्पेशली नहीं उठाना चाहिए माइल्ड तो एक दो किलो का डेफिनेटली कर सकते हैं वॉकिंग में कोई प्रिकॉशन नहीं होता है वॉकिंग में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता जितना वॉक करना चाहे वो कर सकता है ये वेट उठाने का भी जनरली चार हफ्ते से लेकर कर छः हफ्ते तक का वो का प्रिकॉशन होता है धीरे धीरे उसके बाद उठा सकता है दूसरी बहुत ज़्यादा चीज़ें लोग पूछते हैं वो डाइट्री रिस्ट्रिक्शंस क्या होने चाहिए डाइट्री रिस्ट्रिक्शंस हम बाद में डिस्कस करेंगे थर्ड जो वो है जो वो है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी कितना हम कर सकते हैं फिज़िकल एक्टिविटी जनरली रिलेटेड हार्ट से होती है अगर आपके हार्ट फंक्शंस बिल्कुल नॉर्मल हैं और सब चीज़ ठीक है तो छ चार से लेकर कर छः हफ्ते के बाद आप सारी फ़िज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं इनफैक्ट छः से छः हफ़्ते या दो महीने के बाद अगर आप माउंटेन क्लाइंबिंग करना चाहते हैं मेजर फ़िजिकल स्पोर्ट्स करना चाहते हैं वो सब में कोई हमारे को प्रिकॉशन नहीं होती इनफैक्ट हम इंक्रेज करते हैं कि जितना वॉकिंग करें जितना वो करें वो हार्ट के लिए बेटर होता है हमारे को समझना चाहिए कि हम बेसिकली तीन आर्ट्रियों को एड्रेस करते हैं और मोटी आट्रियों को एड्रेस करते हैं जो छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं वो खाली फिजिकल एक्टिविटी से जाके कर कोलेट्रोस बन के वो ठीक होती हैं तो, तो बेसिकली नॉर्मल लाइफ स्टाइल दो महीने के बाद स्टार्ट हो जाती है और यही है डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस के बारे में मैं चाहूँगा कि डॉक्टर कपिल मिनोचा कुछ बताएँ आपको फिर और दूसरे क्वेश्चन हम उसके बाद लेंगे नमस्कार डाइटरी जो फॉलो करते हैं यूजुअली पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं सी के बाद वो यूजुअली पहले हफ्ते तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ऐसा सी ए एक मेजर सर्जरी है तो फर्स्ट वीक we, हम लोग पेशेंट को कहते हैं कि अपनी नॉर्मल डाइट ले कोई रिस्ट्रिक्शन यूजुअली नहीं लेते हैं जैसे अनलेस पेशेंट डायबिटिक है तो ऑब्वियसली डायबिटिक डाइट चलेगी लेकिन उसके अलावा नॉर्मल डाइट जो घर में बनता है वही हम पेशेंट को कहते हैं कि वो ले अच्छा खाना खाए घर का खाना खाए एक हफ्ते के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसे नहीं देते हैं उसके बाद हम जब पेशेंट फर्स्ट फॉलोअप में आता है तब हम उसको समझाते हैं कि क्या सही है क्या खाना चाहिए क्योंकि यूजुअली मोटा मोटा हम ये बता सकते हैं कि ऑयल जो है ऑयल कम खाना चाहिए और अगर पेशेंट हाइपर है जो कि हमारे काफ़ी पेशेंट होते हैं बाईपास सर्जरी के तो उनको सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट कम सॉल्ट लें कम मसाले वाली चीज़ें खाएँ और कम ऑयल खाएँ मतलब नॉर्मल से ऑयल खा सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें अवॉइड करें इसके अलावा अगर पेशेंट की वॉल्वर हार्ट सर्जरी हुई है तो वॉल्वर हार्ट सर्जरी में हमें स्पेसिफ़िक इंडिक सब स्पेसिफिक बताना पड़ता है पेशेंट को कि वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल बेसिकली जो कि पालक हो गया कैबेज हो गया ऐसे चीज़ें अवॉइड करें क्योंकि ये विटामिन के रिच आ, आ, फूड है क्योंकि हम लाइफ लॉन्ग पेशेंट को मैकेनिकल वॉल अगर डाला है जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं लेटर आ, वो अगर डाला है तो आ, उस पेशेंट को विटामिन के रिच फूड को अवॉइड करना होता है क्योंकि वो इंट्रैक्ट करता है जो कि हम मेडिकेशन देते हैं वॉलवल हार्ट सर्जरी एसिट्रॉम और वॉरफ्रिन जो देते हैं उसके साथ इंट्रैक्ट करता है तो ग्रीन लिफी वेजिटेबल बेसिकली अवॉइड करना होता है Good. एक मेरे पास बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था एक पेशेंट है जिसने पूछा आई हैव बीन डायग्नोज एज हैविंग ब्लॉक्स इन ऑल हैाई थ्री मेन आर्टरीज एंड हैव बीन एडवाइज बाईपास सर्जरी वॉट आर माई ऑप्शन जो कार्डियक बाईपास सर्जरी होती है बेसिकली आज की तारीख़ में बाईपास सर्जरी उन्हीं पेशेंट्स को एडवाइस की जाती है जिनको की तीनों मेन आर्टरीज़ ब्लॉक्ड होती हैं जनरली आज की तारीख में अगर एक आर्टरी ब्लॉक होती है और कभी कभी दो आर्टरीज ब्लॉक होती हैं मेन आर्टरी नहीं इन्वॉल्व होती है तो उनकी स्टेंटिंग एडवाइस की जाती है एक्यूट एमरजेंसी में अगर पेशेंट आता है तो उनको भी स्टेंटिंग एडवाइस की जाती है पर अगर ट्रिपल वेसल डिजीज़ होती है लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देखते हैं यंगर पेशेंट्स होते हैं तो उनको बाईपास सर्जरी एडवाइस की जाती है तो इनको मैं सलाह दूंगा कि बाईपास सर्जरी के लिए जाएं। आज की तारीख में बाईपास सर्जरी बड़ी सेफ़ है हम लोग नॉर्मल वेंट्रिकल वाले पेशेंट्स को एक परसेंट से कम रिस्क बताते हैं और जनरली आजकल बीटिंग हार्ट पे सर्जरी होती है वो सर्जरी करीब करीब वैसी ही होती है जैसे कि नॉर्मल कोई और हम सर्जरी कर रहे हों और इसमें इसमें को, कोई बाद में लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं नॉर्मल लाइफ लीड करा जाता है और सबसे बड़ी फ़ायदे की बात यह होती है कि अगर ब्लड थिनर्स जो होते हैं वो भी का, काफ़ी कम लेने पड़ते हैं और बाय द वे वो मिस भी कर जाता है तो लॉन्ग टर्म बाईपास सर्जरीज में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है एक दूसरा और क्वेश्चन uh, था कि आई हैव बिन गेटिंग रिपीटेड अल्सर्स इन माई लोअर लेग एंड हैव बीन डाइग्नोज एज हैविंग वेरिकोज वेन्स वॉट शुड आई डू डॉक्टर कपिल मिलोचा वैस्कुलर और विनस सर्जरीज काफ़ी करते हैं मैं उनसे पूछूंगा कि इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे जैसे कि सर ने बताया कि पेशेंट को वेन है तो पेशेंट को हम फिजिकली एग्जामिन करेंगे वेन वेरिकोस वेन है उसको और इसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम है बेसिकली uh, हमको क्लिनिकली देखना पड़ेगा और उसका डॉपलर स्कैन रिपोर्ट देखनी पड़ेगी अगर उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी है क्योंकि अल्सर यूजुअली प्रेजेंट जो होता है वो डीबीटी में भी होता है तो अगर डीबीटी है तो उसका लॉन्ग टर्म एंटीवागलेशन चलेगा जैसे कि वॉरफ्रीन हो गया एसीट्रोम हो गया जिससे कि स्लोली जो है उसका जो डी है वो रिजॉल्व होगा इट इज़ अ लॉन्ग टर्म डिजीज़ तो उसके लिए काफ़ी टाइम तक हमें एडवाइस करना पड़ता है एंटीकोलेशन अगर उसका डीवीट नहीं होता सिर्फ वेरिकोस वेन है और उसके हाथ अल्सर है देन विल गिव दैम गिव द पेशेंट ऑप्शन कि आप इसका सर्जरी करा सकते हैं सर्जरी और तो लेटेस्ट व्हाट वी हैव स्टार्टेड व्हाट वी बी वी हैव बीन डूइंग जो लेज़र से चल करते हैं हम एंडोवेनस लेज़र एबलेसन है जो कि फैसिलिटी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है जिसके बाद बहुत ही अच्छी रिकवरी होती है जो अपने अपने पेशेंट्स में देखा गया है और uh, काफ़ी जल्दी वो अपने रूटीन uh, जो ड्यूटीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं अनदर क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग विल माई बाईपास लास्ट एंड वॉट आई हैव हैड सी ए बी जी टू ईर्स अगो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत कॉमनली आज क्वेश्चन है जब पेशेंट आते हैं कि बाईपास सर्जरी हमने सुना है कि काफ़ी टाइम बाद थोड़े टाइम बाद दोबारा करनी पड़ती है और कि कितने टाइम लास्ट करती है बाईपास सर्जरी इज़ अ इज़ अ लॉन्ग टाइम सोल्यूशन इट इज़ नॉट अ स्मॉल टाइम सोल्यूशन एक जमाना था जब जब कई सारी ऐसी मेडिसन्स नहीं आई थी जैसे ब्लड थिनर्स अच्छे नहीं आए थे स्टैटेंस नहीं थे स्टैटंस का मतलब है जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स होती हैं वो नहीं थी तब हो सकता है कि बाईपास सर्जरी जो वेन ग्राफ्ट्स होते थे वो दशक साल में बंद हो जाते थे पर आजकल अच्छी आर्टीरियल ग्राफ्ट्स लगे हों अच्छी अच्छे वेंस लगे हों आगे की आर्टरीज अच्छी हों तो उनका बाईपास सल्यूशन करीब करीब लाइफ लॉन्ग लास्ट करता है और आज की तरीक आज की तारीख में ये भी आ गया है कि अगर एक आध आर्टरी बंद हो जाती है तो उसमें स्टेंट डल सकता है या कुछ हो सकता है रीडू सर्जरी जिसको बोलते थे रीडू मतलब दोबारा बाईपास करने वाला जो जो सर्जरी होती थी वो बहुत कम हो गई है आप ये ये लेके चलो कि एक ज़माने में अगर 100 में से 10 पेशेंट्स को रीडू करना पड़ता था आज के ज़माने में एक या दो पेशेंट को करना पड़ता है और ये इसका सल्यूशन आर्टीरियल ग्राफ्ट को किसी भी और मैकेनिज्म या किसी भी और ट्रीटमेंट से कंपेयर नहीं कर सकते वो स्टेंट्स से भी बहुत बेहतर होता है स्टेंट्स में तब भी ये होता है कि एक बार दवा खानी बंद करें कुछ बात होते स्टेंट बंद हो सकते हैं आर्टीरियल ग्राफ्ट बिल्कुल बंद नहीं होते और और इंटरनल मेमरी आर्टरी एक ग्राफ्ट होता है जिसको हम ये कह सकते हैं कि दस साल तक भी नब्बे से लेकर निन्यानवे परसेंट पेशेंट्स में पचानवे uh, परसेंट पेशेंट्स में वो अच्छा चल रहा होता है एक uh, एक और क्वेश्चन uh, है कि आई हैव बीन हैविंग सीवियर पेन इन माय राइट लेग वाइड वॉकिंग विच गेट्स रिलीव्ड आफ्टर रेस्ट और आफ्टर फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स व्हाट शुड वी डू ये ये आर्टरी ये जो तकलीफ है ये आर्टरी की तकलीफ है वेन की तकलीफ़ नहीं है और ये डॉक्टर मिनोचा प्लीज़ एक्सप्लेन कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए क्या ट्रीटमेंट इसका होना चाहिए क्या इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए आ, टिपिकली जो सर ने बताया है इस केस जो है क्लॉडिकेशन पेन है क्लॉडिकेशन पेन वो होता है जो कि पेरिफोल वस्कुलर डिजीज़ में होता है पेशेंट जो कि यूजली या तो ओल्ड एज हो सिक्सटी सेवेंटी ईयर ओल्ड हो या फिर यंग पेशेंट में भी आजकल देखा जाता है जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं जिसको कहते हैं बर्जस् डिजीज़ कहते हैं जो कि प्रेजेंटेशन टिपिकली ऐसे ही होते हैं कि थोड़ा सा चलते हैं उसके बाद उनको पेन होता है जिसके लिए उनको रेस्ट लेना पड़ता है जो कि रिलीव हो जाता है रेस्ट के बाद तो ऐसा कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम हिस्ट्री जरूर लेते हैं पेशेंट की एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्मोकर होता है या उसे कहते हैं उसको ये तकलीफ कुछ टाइम से होती है तो उसके बाद हम उसको जो क्लिनिकल एग्जामिन करते हैं कि कहाँ पर पेन है कैसा पेन है उसको किस लेवल का पेन है मतलब किस लेवल पे पेन है तो उससे उसका डिसाइड करने में हेल्प करता है कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन उसको चाहिए तो यूजुअली हम स्टार्ट करते हैं डॉपलर स्कैन से नॉन इन्वेस्टिव इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट करते हैं डॉपलर स्कैन डॉपलर जो कि आर्टीरियल सिस्टम का हम डॉपलर करते हैं उससे पता चल जाता है कि हमारी जो डायग्नोसिस है जो हमने बनाया है, पी वी डी का पेरिफोबो डिजीज़ का उससे कन्फर्मेशन हो जाता है जो तो कि अगेन uh, उसे कहते हैं हायर इन्वेस्टिगेशन लाइक सिटी सिटी एनजीओग्राफी करा जाता है जिससे कि पता चलता है लेवल ऑफ ब्लॉकेज क्या है और वो ऑपरेबिलिटी पता चल जाती है कि ऑपरेबल है या नहीं है तो उससे डिसीजन लेने में हमें आसानी रहती है कि क्या उसके लिए सही रहेगा सो यूजली लेवल ऑफ एक बार ऑप्स्ट्रक्शन पता चल जाती है लेवल ऑफ स्टिनोसिस पता चल जाती है तो हम पेशेंट से डिस्कस करके उसका प्लान करते हैं क्या ऑपरेशन उसके लिए सही रहेगा यूजुअल पेरिफेरल मस्कुलर बाईपास करते हैं डिपेंड अपॉन लेवल कौन से लेवल की आर्टरी उसकी ब्लॉक है सर एक डॉक्टर एक और क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा एकजर टाइम कैन ही रिज्यूम हिज वर्क अच्छा ये जो है अब कॉमनली परफॉर्म सर्जरी है पहले जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपनी सर्जिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी तब यूजली वट वी यूज टू डू इज़ बिगर फॉर्म ऑफ सर्जरी उसके लिए पूरा बड़ा सा चीरा देना पड़ता था बहुत सारे चीरे देने पड़ते थे पूरी वेन निकाली जाती थी तो अब लेटेस्ट जो आई है हमारे पास सर्जरी एक तो लेजर से है ये जो वर्ड यूजली जो करते हैं हम लोग उसके अलावा रेडियो फ्रिक्वेंसी अबलेशन आई है उसके अलावा वेनासील करके भी सर्जरी आई है जो सेफ सर्जरी है वो लेज़र सर्जरी है एडवांटेज बेसिकली जो सर ने पूछा कि एडवांटेज इसका है कि आप एज सुन एज यू गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द फ्राम द हॉस्पिटल यूजली एक ही दिन में या दो दिन में हम ऑपरेशन uh, के बाद डिस्चार्ज कर सकते हैं तो एज सुनज़ यू गेट डिस्चार्ज विद इन अ डे और टू यू कैन रिज्यूम यूर रूटीन रूटीन वर्क जो करते हैं और आपको एडवाइस करते हैं हम स्टॉकिंग्स जो कि यूजली टू वीक्स के बाद कंप्रेशन स्टॉकिंग्स एडवाइज करते हैं जो कि दो हफ्ते तक पहनी होती है और एज सुन एज यू स्टार्ट वीरिंग दैट स्टॉकिंग यू कैन गो फॉर यूर वर्क ऑल्सो ऑब्वियसली वी एडवाइज़ की आप अवॉइड करें कि लॉन्ग स्टैंडिंग और लॉन्ग सिटिंग अवॉइड करें इनिशियली, बट रूटीन वर्क और अपना जो काम है चलने का थोड़ा बहुत और अपना डेली रूटीन जो है काम वो स्टार्ट कर सकते हैं सी बैक टू वर्क क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और स्पेशली अभी डॉक्टर मिनोचा ने जो वीनस उसके लिए बताया था वो तो जनरली हम काफ़ी जल्दी भेज देते हैं उसके बाद आता है वैस्कुलर सर्जरीज में वैस्कुलर सर्जरी में बैक टू वर्क भी जनरली हम चार या पाँच दिन के बाद भेज देते हैं कार्डियक सर्जरी में डेफ़िनेटली थोड़ा टाइम लगता है और जनरली जो टाइम लगता है वो वो होता है क्योंकि हम स्टर्नल बोन को काटते हैं स्टर्नल बोन अपना हीलिंग टाइम लेती है वो इक्वेलेंट टू वही है कि अगर किसी को फ्रैक्चर होता है तो करीब चार हफ्ते प्लास्टर अगर बनता है तो चार हफ्ते हम आप ये लगा लीजिए इसमें टाइम लग जाता है पर पर सेडेंट्री वर्क वर्क फ्रॉम होम और ये सारी चीज़ें तो हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं इनफैक्ट दे केन इवन स्टार्ट देर आर पेशेंट्स हु इवन इन हॉस्पिटल व्हेन ही इज रिकूपिंग इफ ही वर्क्स ऑन अ कंप्यूटर ही कैन स्टार्ट डूइंग दैट इट टेक्स यू अबाउट थ्री फोर डेज टू स्टार्ट ऑनलाइन वर्क बट गोइंग टू ऑफिस एंड ऑल इज़ जनरली अबाउट अ मंथ टाइम ड्राइव सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बैक टू वर्क में हम वो कहते हैं कि ड्राइविंग की प्रॉब्लम है अगर वो ड्राइव करता है तो जनरली हम छः हफ्ते में एडवाइज करते हैं कि छः हफ्ते के बाद आप अपनी गाड़ी या टू व्हीलर्स और वो चला सकते हैं और उसके बाद इन अबाउट टू मंथ्स टाइम ही कैन प्रॉब्ली डू एवरी थिंग एंड कैन डू इट बेटर देन वॉट ही वॉज डूइंग बिफोर देर वॉज अनदर क्वेश्चन एंड दिस इज रिलेटेड टू द वेर डिजीजेज आई हैव सीवियर माइट्रल वेल्व लीक वेन शुड आई गेट ऑपरेटेड एंड वॉट टाइप ऑफ वैल्व हाँ ये ये बड़ा एक common uh, सवाल पूछा जाता है especially valve surgeries uh, के बारे में वैल्व सर्जरी जो होती है मतलब हार्ट के अंदर जो वैल्व होते हैं चार वैल्व होते हैं और दो important वैल्व होते हैं या मेन वैल्व होते हैं जिसको हम आउटेक और माइट्रल valve कहते हैं ये ये क्वेश्चन पर्टेनिंग है माइट्रल वैल्व का बट आरोटिक और माइट्रल वैल्व का करीब करीब सेम टाइप ऑफ पैटर्न होता है वैल सर्जरीज इलेक्टिव होती है जनरली कई बार डिटेक्ट होने के काफ़ी टाइम बाद पेशेंट करवाता है पेशेंट जब तक कन्विंस नहीं होता कि हाँ उसके सिम्टम्स हैं या कोई प्रॉब्लम है वो जनरली नहीं करवाता uh, कई कई सारी गाइडलाइंस होती हैं जिस पे हम बेस करते हैं कि कितनी जल्दी और कितना लेट कराना चाहिए ज़्यादातर गाइडलाइंस ये होती हैं जब तक आपके हार्ट मसल्स अगर वीकन होने लग जाएं या कुछ उसमें प्रॉब्लम आने लग जाए या आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो जाएं उसी के बाद वैल्व सर्जरी जल्दी कराने के लिए एडवाइस किया जाता है वैल्व कौन से टाइप के होने लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए इस पर डिपेंड करता है कि उसकी एज क्या है जो या क्या क्या है लेडीज़ जैसे हैं यंग लेडीज़ को भी कई बार चाइल्ड बियरिंग एज में होता है तो हम लोग एडवाइज़ करते हैं कि आप माइट्रल में वो वैल्व डलवाओ जिसमें हमको एंटी एंटीकॉगलेसन नहीं देना पड़े मतलब टिश्यू वैल्व डलवाओ या या और एल्ड या फिर बहुत एल्डरली पेशेंट्स हैं जिसमें रिस्क होता है कि गिर जाएंगे तो चोट लगेगी तो ब्लीडिंग होगी उनमें हम लोग टिश्यू वैल्व करते हैं वैल्व दो तरह के होते हैं टिश्यू वैल्व और मैकेनिकल वैल्व मैकेनिकल वैल्व वो होते हैं जो मेटलिक वैल्व हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वैल्व की लाइफ डेफिनेटली मच लॉन्गर होती है देन टिश्यू वैल्व एंड इसलिए उनको एडवाइज़ किया जाता है जब हम उम्मीद करते हैं कि इसकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है तीस साल पैंतीस साल वो जिएंगे पचास साल की उम्र पे वेल रिप्लेस हो रहा है चालीस साल की उम्र पे वैल रिप्लेस होता है तो उनको मैकेनिकल वैल्व कहते हैं सत्तर साल की उम्र अस्सी साल के उम्र में पेशेंट्स को एडवाइज़ किया जाता है टिशू वैल्व टिशू वेल्व्स की लाइफ स्पैन जनरली पंद्रह बीस साल होती है Uh, कई बार बहुत लंबे भी चल सकते हैं और पर उनका एडवांटेज ये होता है कि uh, एंटी कोगुलेशन नहीं देना पड़ता और डॉक्टर uh, मिनोचा आप कुछ और uh, कहना चाहेंगे uh, the... वही एंटी कोगुलेशन का बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि एंटी कोगुलेशन हाँ। जो हम देते हैं एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि मिस ना करें uh, कोई भी मेडिसिन और पीटीएनआर uh, एक जो वैल्यू है वो रेगुलरली कराना पड़ता है जिससे कि डोज एडजस्ट होती है जो कि एंटीकोलेशन एसिट्रॉम या वार्फिन यूजुअली भी दे जो देते हैं हम लोग वो पी टी डिसाइड होती है तो इसलिए कोई भी मेडिसिन मिस ना करें और रेगुलर पी करके इन्फॉर्म करें पी टी क्लिनिक में या हम लोगों को जिससे हम डोज एडजस्ट कर पाए थैंक यू वेरी मच यू हैव अ वेरी हेल्दी हार्ट एंड वी विश यू अ वेरी हेल्दी येड थैंक यू